और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर 4 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि 3 जिलों के बदले गए हैं डीएम। पौड़ी जिले के डीएम बनी है आशीष कुमार चौहान और पिथौरागढ़ जिले के डीएम बनी है रीना जोशी। अनुराधा पाल बागेश्वर धाम की जिला अधिकारी नियुक्त की गई है। इसके अलावा आईपीएस श्वेता चौबे को एसएसपी पौड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर 4 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं। पौड़ी जिले के डीएम बने हैं आशीष कुमार चौहान, पिथौरागढ़ जिले की डीएम बनी है रीना जोशी। अनुराधा पाल बागेश्वर जिला अधिकारी नियुक्त की गई है। इसके अलावा आईपीएस श्वेता चौबे को एसएसपी पौड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर 4 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बता दें कि 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं। इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड में 4 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं। पौड़ी जिले के डीएम बने हैं आशीष कुमार चौहान। इसके अलावा पिथौरागढ़ की डीएम बनी है रीना जोशी। अनुराधा पाल बागेश्वर जिला अधिकारी नियुक्त की गई है। इसके अलावा आईपीएस श्वेता चौबे को पौड़ी की एसएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता भगवान सिंह। भगवान सिंह, उत्तराखंड में जो विभागीय सर्जरी हुई है, जिसमें 4 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मनीष, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो पौड़ी जिले के जो आईपीएस है विजय कुमार जोगदंडे, उनका भी ट्रांसफर यहाँ पे हो चुका है, उनको कटिशन में रखा गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ पे जो अब नए डीएम आएंगे आशीष चौहान, क्योंकि ये पहले उसमें उत्तरकाशी में थे, जिलाधिकारी थे, उसके बाद इनका ट्रांसफर होके पिथौरागढ़ भेजा गया था। पिथौरागढ़ के बाद यहाँ डीएम रह चुके हैं। उसके साथ ही साथ अब ये पौड़ी में आईपीएस अधिकारी जो है श्वेता चौबे, वो एसएसपी यहाँ पे होगी यशवंत सिंह चौहान की जगह में। लेकिन वही बात करें, आप सोशल मीडिया पे इसकी सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है कि जो अंकिता वाला मामला था, सबसे ज्यादा जिले में सुर्खियों में था कि जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के कारण से, जो कभी उन्होंने बयान जो जारी करा था कभी कि बुलडोजर चलाने पे कि मैंने परमिशन नहीं दी, हमने प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है, और फिर उसके बाद कहा कि हाँ प्रशासन ने परमिशन दी थी। उसी दिन से सोशल मीडिया पे तमाम यही चल रहा था कि जिलाधिकारी का ट्रांसफर किया जाए, ताकि उन्होंने इस तरह बात की है। वही बात कह रहे हैं अब कल यहाँ पे जो एसएसपी जो अरे डीएम आएंगे, उनका यही कहना है सब बस तमाम पौड़ी की जनता का, यहाँ पे जो भी हो, जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि जो आईपीएस अधिकारियों का, वही बात करें अभी अनुराधा पाल जो की जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की बनाई गई है, वो भी मेरी उनसे जस्ट बात हुई थी, उनको मैंने शुभकामनाएं जिस तरह से दी उनको बताया गया, तो उनका कहना है कि आईपीएस अधिकारी जो की अनुराधा पाल जो की मुख्य विकास अधिकारी रह चुकी पहले, उसके बाद उनको आज यहाँ पे डीएम बनाया गया है, तो उनका पहला कार्यकाल का जिलाधिकारी बनने का, क्योंकि नई एंग है, और जो जिस तरह से देखा जा रहा है तुमसे बातचीत, उनका यही कहना मेरे प्राथमिकता यही रहेगी कि जनता का सेवा। वही बात फिर आशीष चौहान काफी एक माने जाते एंग माने जाते हैं, और फील्ड के लिए बड़े जैसे उत्तरकाशी जिले में रहना बहुत बड़ा टफ होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल भगवान जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर 4 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 3 जिलों के डीएम बदले गए हैं। पौड़ी जिले के डीएम बने हैं आशीष कुमार चौहान, पिथौरागढ़ जिले के डीएम बनी है रीना जोशी। इसके अलावा अनुराधा पाल को बागेश्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।